मेरा मोबाइल इतने दिन पहले बीच में टूट गया था तो मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाया। स्वीटी हीट पे भी आ गई थी और उसकी मीटिंग भी करवा दी हमने। मीटिंग करवाए हुए आज 13 दिन हो गए शायद। हाँ 13 दिन हो गए आज। तो आज उसको उसकी डाइट के बारे में बताएंगे आप कि हम उसको क्या डालते हैं और क्या नहीं। ठीक है, तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहें। अभी बताते हैं आपको स्वीटी की डाइट्स। ये ले लिया मैंने घिया, ये देखो इतनी घिया लिया मैंने। तो अभी घिया के छोटे छोटे टुकड़े करवा रहे हैं ताकि कुकर में उबालने में आसानी हो और स्वीटी आराम से इसको खा सके। इसको पूरा मेस कर देंगे दही के साथ। तो अभी घिया के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं पूरे, तब इसको कुकर में डाल रहे हैं। कुकर में डाल के इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। कुकर को अच्छे से ढक देना चाहिए ताकि कोई गैस ना निकले इसमें और ये जल्दी से जल्दी उबल जाए। घिया उबल रही है, तब तक आपको दिखाता हूँ। मेरी गाय ने एक बच्चा दिया है, हमारी गाय ने ये बच्चा दिया था। ये देखिए गोलू मोलू सा, अरे गोलू गोलू मोलू, ये देखिए कितना प्यारा है। देखो तो अभी घिया को बॉईल कर लिया हमने, देखो अभी इसको निकाल लेते हैं किसी चम्मच से या फिर किसी चीज़ से। बॉईल कर लिए, ये देखिए इस तरह से आपको बॉईल कर लेना है। ये देखिए हमने इसमें रोटी और दही डाल दिया है, इसमें रोटी और दही है। इसको बड़े किसी बर्तन में डाल लेते हैं। इसमें मैंने घिया और रोटी दही डाल दिया है। दही प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम इसको अब मेस कर लेते हैं। देखो पूरा रोटी को थोड़ी देर पहले ही दही डाल देना चाहिए ताकि रोटी पूरी अच्छे से मेस हो जाए। ये देखिए तो अभी स्वीटी को डाल रहा है खाना। ये देखिए कैसे वेट कर रही है, यहाँ पे कैसे देख रही है, देखो ये खाने के लिए कैसे कर रही है। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं अभी पूरे अच्छे से डाल दिया इसमें। देखो अभी इसको रख देते हैं। ले स्वीटी खा ले। ये खाना खा के आराम से सो रही है, देखें इसको 13 दिन हो गए आज। अभी इसको कैल्शियम देंगे, कैल्शियम देते हैं इसका ही केल। अभी मैं अकेला रह गया वरना तो आपको दिखाता कि कैसे मैं कैल्शियम देता हूँ इसको। और भी आपको ऐसे व्लॉग मिलते रहेंगे, तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहें।